मथुरा की राधेश्याम कॉलोनी स्थित किड्स गुरुकुल स्कूल में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधि ज्ञान की पाठशाला कार्यक्रम का शुभ आरंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को कानून का ज्ञान और बच्चों के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें प्राधिकरण की सदस्य प्रतिभा शर्मा, सीओ सिटी राकेश कुमार, अनामिका दीक्षित सहित स्कूल के प्रधानाचार्य और संस्थापक जितेंद्र राठौर ने बच्चों को बताए कि वे किसी आपत्ति या विपत्ति के समय कैसे अपने कानून के तहत या पुलिस की सुरक्षा पा सकते हैं और उन्हें किस तरह से अपने उत्पीड़न की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों और बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएं होती हैं जिससे उन्हें जागरूक होकर खुद का बचाव करना अति आवश्यक है। हम लोग विधिक साक्षरता कैंप लगाते हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है विधि की पाठशाला। जैसे ही विद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू होता है उसके साथ ही हम बच्चों को बड़ों को विधि रूप से संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, जिससे आते हैं आप हर आए दिन घटना देखते हैं, कभी प्रद्युम्न कांड होता है, कभी मुजफ्फरनगर में, तो इन सब केसों की जानकारी देते हुए उनको कानून की जानकारी देते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी घटना का शिकार हो जाए तो वो किस तरीके से कानूनी मदद प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ हम उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज का निषेध अधिनियम, इन सब कानूनों की भी जानकारी देते हैं, और ये क्रम हमारा अनवरत चल रहा है और चलता है। हमारे संस्था की ओर से एक्शन प्लान के तहत तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, स्कूल या अन्य संस्थानों पर प्रत्येक महीने में विधिक साक्षरता का आयोजन होता है। इसी के तहत आज मैं इस स्कूल में बच्चों के अधिकार और संरक्षण के संबंध में विधिक साक्षरता का आयोजन किया गया है, जिसमें सब लोग उपस्थित हुए हैं और तथा बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई तथा अन्य विधि सामान्य विधि की जानकारी दी गई है। सर, उद्देश्य क्या है इस आयोजन का? उद्देश्य ये है कि हमारे देश में अभी बहुत कम विधि से साक्षर लोग हैं और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य विधि की जानकारी हो, तो हम लोग प्रत्येक जगह जा जाकर महीने में विधि साक्षरता का आयोजन करते हैं, जिससे विधि की सब लोगों को जानकारी रहे और बच्चों को भी अपने बच्चों महिलाओं को अपने अधिकारों को लग रहे हैं, उनके अपराध की कमी है, इसी के उद्देश्य से हम लोग विधि साक्षरता का आयोजन करते हैं।